ये चटपटी हरी चटनी और खट्टी मीठी इमली की चटनी किसी भी चाट या स्नैक का मजा दुगना कर देती हैं। अगर आप इनको इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप बस उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी। तो आइए बनाते हैं ये मज़ेदार सी चटनियाँ। सबसे पहले हम बनाएंगे हरी चटनी। चाट वाली हरी चटनी बनाने के लिए हम यहाँ पे मिक्सी का जार लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप पुदीना। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 2 कप धनिया। तो इनको बस मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से और इनका पानी ड्रेन कर दिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के चाट मसाला, 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। अगर आप नींबू का रस का इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और इसमें थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए यहाँ पर मैं नमकीन सेव यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो भुना हुआ चना या फिर भुनी हुई मूंगफली का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस चटनी को बनाने में मैंने गार्लिक का इस्तेमाल नहीं किया है। चाट वाली चटनी में नॉर्मली गार्लिक नहीं होता है, पर अगर आप पसंद करते हो तो वो भी डाल सकते हैं। और अब हम इसको पीस लेंगे। चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और आइए फटाफट मीठी चटनी बनाते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 100 ग्राम इमली ली है और ये देखें, इसके बीजे मैंने निकाल दिए हैं। सीडलेस इमली है ये। और इसमें हम डाल देंगे करीब 2.5 कप पानी। तो ये एकदम बॉइलिंग वाटर है। इसको अच्छे से सोक कर देंगे इस तरह से। इसको कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसी में छोड़ देंगे। और अगर आपको जल्दी है तो आप इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दें और फिर इसको 15 मिनट के लिए गैस पे अच्छे से बॉईल कर लें। तो मैं इसको 1 घंटे तक सोक होने दूंगी। इमली को सोक किए हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है। अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। हम इसको एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। इमली को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है और अब मैं 1 से 2 चम्मच ये जो इमली का पानी है इसमें डाल दूंगी। और बाकी पानी को हम फेंकेंगे नहीं, हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। और अब हम इमली को अच्छे से पीस लेंगे। इमली को मैंने पीस लिया है और यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है और उस पर एक छन्नी लगा दी है। इस इमली के पल्प को हम छन्नी में ट्रांसफ़र कर देंगे और अब हम मिक्सी के जार में थोड़ा सा बचा हुआ इमली का पानी डाल देंगे और इसको भी छन्नी में छान देंगे। और अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। इमली को छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे रेशे होते हैं। अगर आप इसको छानेंगे नहीं तो वो खाते समय मुंह में आएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से छान लिया है और इसका पल्प निकाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आइए अब हम इसको कुक करते हैं। इसको कुक करने के लिए यहाँ मैंने एक पैन गरम किया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल, बहुत थोड़ा सा ही डालना है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून हींग या ऐसा फटीदा। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून क्यूमन सीड्स या ज़ीरा। इनको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे इमली का पल्प। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको थोड़ी देर तक कुक कर लेंगे जिससे ये हल्का सा थिक हो जाए। यहाँ पर हमने इमली पीसने के पहले जो भी पानी बचाया था मैंने धीरे धीरे करके सारा पानी यूज़ कर लिया है। इमली को मैंने 2 मिनट तक कुक कर लिया है और देखें हल्की सी थिक हो गई है। और अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम इमली ली थी, उसके लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम गुड़ डाला है। इनको अच्छे से हमें अब मिक्स करना है और गुड़ को इमली के साथ अच्छे से मेल्ट करना है। ये देखिए, गुड़ अच्छे से पिघल चुका है और मैंने इसको ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट ही और पकाया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के शक्कर। तो गुड़ से जो है अच्छी खुशबू आती है और शक्कर से एक अलग तरह की मिठास आती है, तो दोनों ही ज़रूरी हैं इस चटनी में। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के ड्राई जिंजर पाउडर या सॉल्ट का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर और सादा नमक। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आपको गुड़ और शक्कर का रेशियो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा रखना पड़े, डिपेंड करता है कि इमली कितनी खट्टी है आपके यहाँ। तो आप इसको हल्का सा चख लें इस टाइम और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें शक्कर या गुड़ की और ज़रूरत है तो थोड़ा सा और मिक्स कर लें। तो देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर दें और अब हम इसको थोड़ी देर तक और कुक करेंगे। चटनी को मैंने थोड़ा सा और खौलाया है और ये बिल्कुल तैयार है। हम इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो अपने आप ये काफ़ी थिक हो जाती है। चटनी बनने की पहचान ये होती है कि आप कोई भी स्टील का चमचा लें इसमें और इस तरह इसको डिप करेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया कोटिंग हो गई है इस पर।
इसका मतलब चटनी कुक हो चुकी है अच्छे से। हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे, फिर इसको स्टोर करेंगे। ये देखिए दोनों चटनियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप कोई भी चाट या स्नैक्स के साथ इनको खा सकते हैं और ये चटनियाँ उसका मज़ा दुगना कर देंगी। तो ट्राई ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।